इस हादसे के बाद अब हमारे साथ मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे जावेद जी से जानते हैं कि क्या कुछ हादसा था और क्यों ये हादसा हुआ, क्या कारण रहे इस हादसे के। मैडम, हादसे का मेन कारण रहा अफवाहें, और जब अफवाहें होती हैं तो लोग फिर सच तक नहीं पहुंच पाते और अफवाहों के ऊपर अमल कर लेते हैं और बहुत ही जल्द उतारू हो जाते हैं और फैसला ले लेते हैं। तो इसका मेन कारण था अफवाह, जो दोनों साइड से ही रहा। हिंदू समाज का कहना है कि हम तो शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, फिर भी उपद्रवियों ने हमारे ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, उसके बाद ये सारे माहौल क्रिएट हुआ, उसके बाद ये मुस्लिम लोगों ने हमारे साथ जानबूझ के जाति करी इस तरह की। देखो, ये किसी एक की राय हो सकती है, मैं नहीं मानता, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर किसी भाई ने स्टेटमेंट दी थी, उसकी पर्सनल राय, मेरी ऐसी कोई राय नहीं है। ये दोनों साइड से कमियां हुई हैं और समाज के जिम्मेवार लोगों ने ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है। दोनों समाज के छोटे बच्चे थे जिन्होंने बिना सोचे समझे इस तरह की बातें करी है। जी, गोलियां चली हैं, लोगों की जाने गई हैं, जिसमें काफी सामान का नुकसान भी हुआ है, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? उसका जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है। अगर प्रशासन पहले सतर्क होता और इसे हल्के में ना लेता तो ये घटना नहीं घटती। अभी मीटिंग भी हुई है, इस मीटिंग में दोनों समुदाय के लोगों को बिठाया गया है, शांतिपूर्वक बातचीत हुई है, तो इस बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने आया जी? बस इसमें ये आया सामने कि भाईचारा मिलके रहेगा, आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहा वैसे आगे कायम रहेगा। हमारे साथ डीसीपी दीपक जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मीटिंग के बाद अब क्या नतीजा निकल के आया सामने इस समय? मैम, मीटिंग में 21 दोनों समुदाय से 21-21 आदमियों की पीस कमेटी का गठन किया गया है, जिनकी अब रेगुलर मीटिंग होगी, आज भी कल भी, और दोनों समुदाय ने आश्वासन दिया है कि आगे इस तरह की घटना सोना शहर में नहीं होगी। सर, कुछ समुदाय ने अपनी मांगे भी रखी हैं, तो उन मांगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मांगे रखी हैं जिनके दुकानों को नुकसान हुआ, गाड़ियों को नुकसान हुआ है, उनका आकलन करके हम प्रशासन को उनका जो भी जायज मुआवजा है वो दिलवाएंगे, और जिसका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। काफी चीजें बंद हैं इस समय, अगर शिक्षक संस्थान बोले तो वहाँ कॉलेजेस स्कूल्स बंद हैं और बाजार बंद है। उसका आकलन करके होपफुली कल खुल जाएंगे, और बाजार भी आज अभी फ्लैग मार्च निकालेंगे, उसके बाद बाजार भी खुल जाएंगे। यहाँ पर कमियां कहाँ आपको देखने को मिली इस समय, जो ये हादसा हुआ, इस तरह का माहौल बना? अभी कमियां का हम इस कमेटी में इसलिए हमने मीटिंग बुलाई थी ताकि हम कमियों को ना ढूंढ के आगे हमें शांति बनाए रखनी है, उस पर ज्यादा हमारा ध्यान था। कमियां के बारे में हम आराम से बैठ के जो हमारी जहाँ भी कोई कमियां रही हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बट अभी हमारा उद्देश्य था कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। ये थे हमारे साथ डीसीपी दीपक जी, जिन्होंने बताया कि अभी कंट्रोल में स्थिति लाई गई है और दोनों समुदाय की जो जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, और एक शांतिपूर्वक पुलिस द्वारा एक फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के उपद्रव कोई आगे हादसा ना कर सके। कैमरामैन सागर के साथ में एमी शर्मा, गुरुग्राम, सोना, न्यूज इंडिया। वहीं उमेक के बाद एक अब गुरुग्राम पहुंचे हिंसा की लपटे। आप पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर 70 से 80 लोगों की भीड़ ने गुरुग्राम के एक मस्जिद में आग लगा दी है, साथ ही मस्जिद के इमाम और एक अन्य पर चाकू से जानलेवा हमला भी किया गया, फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस मस्जिद के बाहर खड़ी रही और 3 से 4 युवकों ने मस्जिद के मौलाना मोहम्मद साद पर हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में डीसीपी नितिन अग्रवाल ने बताया कि सोमवार की रात सेक्टर 57 स्थित अंजुमन जामा मस्जिद में आग लगा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द ही अब कार्रवाई की जाएगी। घटना के दौरान आरोपियों ने गोलीबारी भी की, जिसमें इमाम और एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया। इमाम को कथित तौर पर चाकू मारा गया। वहीं पंजाब में एनआईए की जगह जगह छापेमारी जारी है, और इसी के तहत पटियाला में भी एनआईए की टीम ने खालसा एड मुख्य कार्यालय में एनआईए की रेड कई घंटों तक वहां चलती रही। बताया जा रहा है कि पटियाला में एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। इस मामले पर खालसा एड के वॉलंटियर हरप्रीत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एनआईए की टीम सुबह 5 बजे पटियाला पहुंची। टीम पहले घर और बाद में दफ्तर पहुंची, जिसके बाद एनआईए ने कई घंटों तक वहां पर जांच की। वहीं पंजाब के पठानकोट में बारिश के बाद आई फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब अलर्ट अप दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग को डेंगू का भी खतरा दिखाई दे रहा है।
साथ ही बारिश की वजह से इन दिनों आई फ्लू भी वहां पर फैल रहा है। आई फ्लू की शिकायत सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। अखां जिहड़ियां वो लाल हो जांदियां, ठीक है, पहला एक अख हुंदी है, फिर बाद दूसरी भी फैल जाता है, तो अखां लाल हुंदी है, पानी आंदा है, खारिश हुंदी है, रड़क पैंदी है, तो दर्द हुंदी है। ये नॉर्मल की हुंदा है कि जिहड़े घर च जदों आंदा है तो लगभग सारयां नूं फैल जाता है। उन्हूं रोकण लई आपां की कर सकते हैं, प्रीकॉशनस जिहड़ियां बड़ियां इंपोर्टेंट हैगियां। एक तो है कि जिहड़े इंसान नूं होए, जिहड़े बच्चे नूं होए या वड्डे नूं, उन्हूं आइसोलेट कर दो, कि मतलब उन्हूं किसी के कॉन्टैक्ट से ज़्यादा ना आन दो। अख ते काला चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है ना, हाथ बार बार धोने चाहिए है साबन नाल चंगी तरह, एक दो मिनट जो हाथ धोओगे तो वायरस जिहड़ा है वो खत्म हो जाता हाथों तो। वहीं हिमाचल के नाम में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी करते हुए 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। मीडिया को जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले विक्रेताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि नियमों को दरकिनार करते हुए खाद्य पदार्थ बेच रहे 20 संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिफ्ट किए गए। उन्होंने बताया कि सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।